306 पर इस वक्त टीएमसी है और लगातार बीजेपी की सीटें जो है घटती हुई नजर आ रही है। पहले 100 का आंकड़ा क्रॉस किया था लेकिन अब बीजेपी प्लस के खाते में 83 सीटें आई है, यानी कि बीजेपी के लिए एक तरफ लगातार ये बड़ी खबरें और राहत भरी खबरें हैं जहां वो एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। श्वेता का हम रुख कर लेते हैं। श्वेता, जो कि अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगी कि ममता दीदी पर अगर बंगाल की जनता भरोसा कर रही है तो इसके पीछे के कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हैं। श्वेता, बिल्कुल ऋतिका, और ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लड़ाई जो है लड़ाई बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, तो आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसने दीदी को जीत अभी मिली नहीं है लेकिन जीत दिलाने में अहम किरदार जो है अपना निभाया। बाहरी और भीतरी की लड़ाई थी, ओवैसी मुस्लिम वोट हाईजैक नहीं कर पाए, ओवैसी का फैक्टर काम नहीं कर पाया, फुरफुरा शरीफ वाली नाराजगी जो है वो बेअसर नजर आई। टीएमसी छेड़ने वालों को बंगाल ने नहीं छोड़ा, ममता की चोट का इमोशनल कार्ड और यही बहुत ज्यादा काम किया जब वो व्हील चेयर पर आई। और बाहरी की लड़ाई जो दीदी ने छेड़ दी थी, बहिरागत जो दीदी कहती थी वो फैक्टर भी काम किया। फुरफुरा शरीफ, ये फैक्टर हम बार बार कह रहे थे कि फुरफुरा शरीफ का जो फैक्टर है वो काम करेगा लेकिन वो काम नहीं आए। अब आपको बता दें कि रुझानों में जो बड़ी बात नजर आ रही है वो भी जरा हम आपको बता दें। देखिए, सत्ता में तीसरी बार ममता वापसी करती नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी ममता के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी जो कर रखी थी उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। नंदीग्राम में पिछड़ती नजर आ रही है दीदी। नंदीग्राम की सीट जो है वो काफी अहम हो जाती है और यहां दीदी छठे राउंड की काउंटिंग चल रही है। हालांकि सरफराज हमारे सहयोगी ग्राउंड पर जो मौजूद है कह रहे थोड़ा इंतजार नंदीग्राम के लिए और कीजिए क्योंकि अभी और राउंड की काउंटिंग चल रही है। तो नंदीग्राम में फिलहाल तो दीदी पिछड़ती नजर आ रही है। बीजेपी टीएमसी की टक्कर में वाम गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। वाम गठबंधन की जो बात हम कर रहे हैं, देखिए उनकी सीट जो कांग्रेस 44 सीटों पर पिछली बार थी, दूसरी बड़ी पार्टी थी, उसकी सीट चली गई है। तो ओवरऑल अगर हम बताएं 292 में से 292 के जो रुझान आ चुके हैं, बीजेपी देखिए 83 सीटों पर है और वही अन्य का तो खाता ही नहीं खुला है। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें 211 पिछली बार थी, 206 पे रुझानों में पहुंच चुकी है। वही जो संयुक्त मोर्चा की बात हो रही थी कि संयुक्त मोर्चा जिसने ब्रिगेड मैदान में सबसे पहले रैली की थी और ये बात हो रही थी ब्रिगेड जिसका उसी का बंगाल होता है, लेकिन संयुक्त मोर्चा के ब्रिगेड मैदान में उस वक्त तो बहुत भीड़ देखने को मिली थी लेकिन उस तरीके से प्रदर्शन नहीं। और ये देखिए तस्वीर कैसी होगी, अगर विधानसभा की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी। 292 में से 292 जो रुझान आ चुके, एक परिणाम भी आ चुका है। बीजेपी भगवा रंग जो है वो 83 सीटों पर दिखेगा, वही टीएमसी जो है 206 पर, पिछली बार 211 थी, फिलहाल रुझानों में कम हुई है। और यहां कांग्रेस प्लस यानी संयुक्त मोर्चा की हम बात करें 3 सीट मात्र दिख रही है, बल्कि हम लेफ्ट की बात कर ले कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस 44 सीटों पर थी, लेफ्ट 30 प्लस थी और इन दोनों को नुकसान यहां उठाना पड़ रहा है। तो कमोवेश जो स्थिति नजर आएगी विधानसभा की, तस्वीर कुछ ऐसी दिखेगी। 292 की बात कर रहे, दो और जो सीट है उस पर 13 मई को वोटिंग होनी है क्योंकि दो प्रत्याशियों की मौत हुई थी जब इलेक्शन चल रहा था और यही वजह है कि दो सीटों पर अभी फिलहाल स्थगित किया गया है, 13 मई को इन पर काउंटिंग होगी। तो जाहिर सी बात है ये तमाम फैक्टर हैं जो टीएमसी के लिए काम कर रहे थे। रुक कर लेते हैं हिंदुस्तान स्टूडियो का, हमारी सहयोगी शालिनी के पास इस वक्त क्या बड़ी खबर है। शालिनी, एक बड़ी खबर इस वक्त की चुनाव आयोग से जुड़ी हुई मिल रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं। चुनाव आयोग शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे होगी और चुनावी नतीजों के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, चुनाव आयोग की साख भी दांव पर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 या 4 पार्टियों की बात है। चुनाव आयोग को भी बड़े ढंग से और तमाम प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए आज काउंटिंग करवानी है। बड़ी बात यह है कि शाम को 6 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही, बंगाल में क्या होगा क्या नहीं, स्थिति काफी हद तक अभी स्पष्ट हो चुकी है लेकिन चुनाव आयोग भी शाम 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। पश्चिम बंगाल में अभी के ताजा जो रुझान के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं आपको, 83 सीट पर आगे बीजेपी चल रही है, टीएमसी 206 सीट के ऊपर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ये कम से कम हम कह सकते हैं वो स्थिति बन चुकी है कि अब इसमें बहुत ज्यादा चमत्कार की उम्मीद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा खेला हो जाएगा कि बीजेपी टीएमसी वाली जगह पर आ जाएगी, टीएमसी बीजेपी वाली जगह पर चली जाएगी। लगभग स्थिति यहां पर स्पष्ट हो चुकी है, हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है लेकिन गैप जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच का वो इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसे पाटने वाली जो बात है वो शायद होती हुई नजर नहीं आएगी। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनोज यादव जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और
संजीव कौशिक मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। और शुरुआत में मनोज जी आपके साथ कर रही हूँ, आप ये बताइए जरा, 83 पर बीजेपी यहाँ पर सिमटती दिखाई दे रही है सर, अभी भी क्या चमत्कार की आप कोई उम्मीद कर रहे हैं क्या? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और अभी जब सब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नंदीग्राम से ममता दीदी पीछे चल रही है तो उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं, समर्थक बोल रहे हैं वो आगे होने वाली है, तो हम क्यों ना उम्मीद करें। और उम्मीद पर दुनिया कायम है, अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, उसके बाद में पता लगेगा क्या स्थिति है। सर, 83 और 206, ये बहुत भारी आपको नहीं दिखाई दे रहा? बीच की जो खाई है वो इतनी बड़ी है, अभी भी आप सोच रहे हैं कि ये पट जाएगी? देखिए, ऐसा जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इतना है कि भाजपा ने 2016 में जिस तरह से 3 सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी, और भाजपा का जो आज का जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है। भाजपा ने एक जुझारूपन से हम लोग लड़े हैं चुनाव, युद्ध स्तर पर चुनाव लड़ा गया और हर स्तर पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें कामयाबी मिली है। लेकिन इतना है कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाएंगे तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। अंतिम परिणाम जब तक नहीं आ जाएंगे, संजीव कौशिक जी आपके पास मैं आ रही हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव भी मुझे इस वक्त सर याद आ रहा है, ट्रंप और ट्रंप के समर्थक अंत तक ये कहते रहे कि वो ईवीएम तो अभी खुली नहीं है जिसमें हमें वोट पड़ा है। और उम्मीदें अभी भी बरकरार है उनकी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस पीएनसी के जीत के मायने क्या है, क्या केवल ममता बनर्जी जीत रही हैं या मोदी जी की नीतियों की हार हो रही है? हमने देखा है इस चुनाव को कि ये पीएम वर्सेस सीएम चुनाव ये लड़ा गया। हम समझते हैं कि बंगाल की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज आ गया है कि मोदी जी ने जिन नीतियों को बढ़ाया वो जाके बंगाल में थमता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें युवाओं ने नकार दिया है, उन्हें महिलाओं ने नकार दिया है, इन्हें वहाँ की जनता ने नकार दिया है, इसके सरोकारी मुद्दों से कोई मायने नहीं रख रहे थे। लगातार हमने बंगाल के चुनाव में देखा है कि किस तरह की बातें उठाई गई और किस तरह से वहाँ के सरकार को घेरने का प्रयास किया गया, इसके मायने बहुत बड़े हैं। मैं स्वर्णाली जी को भी बीच में ले आती हूँ सर, टीएमसी सपोर्टर वो है और मुझे लगता है कि उनका रिएक्शन तो इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वर्णाली जी, टीएमसी प्रवक्ता जुड़ी हुई है मेरे साथ। मैम, अभी ये तो ठीक है, मैं बार बार कह ही रही हूँ कि जो नतीजे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, रुझान जो है उसमें तो आप बना ले रही है आसानी से सरकार, लेकिन ममता बनर्जी की सीट का क्या है? अभी तो पूरा नहीं काउंटिंग हुआ है, देखिए कुछ लगभग हुआ है लेकिन 50% से भी ज्यादा देख रहे हैं हम लोग कि जनता राय दे रही है टीएमसी के ऊपर। तो जो बीजेपी का विनाश होने का जो शुरुआत है वो हो गया है। अभी बीजेपी को जनता नहीं ले रही है, जो कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है या इसके ऊपर जो पोलराइजेशन किया गया है इसके ऊपर बोलिए, या जहाँ पे यहाँ पे विद्यासागर का मूर्ति तोड़ा गया था तो वो भी बीजेपी का हाथ था उसमें भी, तो सारा चीज लेके जनता नाखुश है, बंगाल की जनता इसको बॉयकॉट कर रही है। मनोज जी मुझे ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय चेहरा है, हर कोई जानता है, लेकिन वही बात कि सीएम का चेहरा कोई आपके पास नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं उसी का खामियाजा अभी के रुझानों में भुगतना पड़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 चीजों का मैं पहले जवाब दे देता हूँ और ये मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मैं बात हुआ। देखिए, पहला विषय ये है कि कोई भी चुनाव होता हो स्थानीय मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी जी सिद्ध कर चुके हैं 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में किस तरह से जनता ने उनको समर्थन दिया है और पूरे देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और यहाँ पर अगर किसी की सबसे बड़ी हार दिखाई दे रही है तो कांग्रेस पार्टी की हार दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं है, उसका सूखा साफ हो चुका है। जहां तक अब टीएमसी का सवाल है, देखिए टीएमसी बोले बीजेपी की हार हो रही है, अरे बीजेपी जीत रही है भाई, जो 3 पे थी, जो पार्टी 3 पर थी वो कहां से कहां पहुंच गई है। वहां की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है, वहां की जनता गले लगा रही है। बताइए, जो पार्टी 2016 में मात्र 3 सीटें जीत करके आई थी उस पार्टी को कितना बड़ा जनादेश मिला है। कैसी बात आप कर रहे हैं सर, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा 200 पार हर रैली में, हर रोड शो में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर वक्त उन्होंने कहा, आप तो 82% संतुष्ट हो गए सर? देखिए, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मैं तीसरा जवाब दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा का जो चुनाव लड़ा था बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ा था, हम लोग वहां जीते। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ा था, त्रिपुरा का चुनाव बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ा था। तो चेहरे के बिना भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे राज्यों के चुनाव लड़ती आई है, ऐसा नहीं है बंगाल में चुनाव लड़ा हमने। ठीक है, बीजेपी कहीं पे नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है रणनीति कुछ बदलनी तो नहीं पड़ेगी, बाद में आत्म मंथन जब आप करेंगे तो रणनीति तो नहीं बदल जाएगी। श्वेता कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे, श्वेता।
बिल्कुल मनोज जी, मुझे तो आपसे बस एक ही सवाल करना है सर, सुर आज बदले बदले से क्यों नजर आ रहे हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के लिए? तेवर ये तो न थे सर। श्वेता जी, सुर बदलने का काम और सुर बनाने का काम जनता करती है, लोकतंत्र में जनता। तो जनता ने नकार दिया, मान रहे हैं रुझानों को देखकर? जनता जनार्दन तय करती है। और नहीं सर, दो फैक्टर बता दीजिए अभी तक के रुझानों को लेकर, दो फैक्टर मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी जो आपको लगता है कि भारी पड़े। आपने कहीं ना कहीं टीएमसी को कम आंका। सर देखिए, बी फेयर मनोज जी, दो फैक्टर तो कम से कम आप बता सकते हैं कि शायद आपने टीएमसी को कम आंका। ममता दीदी के साथ में केवल मनोज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या, या मनोज जी आप सुनना नहीं चाह रहे सवाल को? बोले अगर सुनना चाह रहे सर, आप खुद बताइए इन रुझानों के पीछे की वजह क्या नजर आती है पश्चिम बंगाल में, कौन से वो दो बड़े फैक्टर नजर आते हैं, क्या बहिरागत या फिर कोरोना आपके ऊपर भारी पड़ा? देखिए ऐसा है, जहां तक कोरोना का सवाल है तो कोरोना महामारी जो आई हुई है वो विपदा है, आपदा है, सबके लिए आपदा। नहीं सर, आप सवाल समझे नहीं। आपको याद होगा तमाम बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ एक काम करना है, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना है, तमाम जो जनता है वो हमें वोट करेगी, हमारा सिर्फ यही काम है। ये तमाम बीजेपी के नेता कह रहे थे, तो आप वोट पोलिंग बूथ तक अगर जनता को नहीं लेकर आए, इसके पीछे की वजह क्या रही? कहीं ना कहीं कोरोना तो नहीं रही? देखिए ऐसा है, जनता हमारे साथ है, जनता का ही आशीर्वाद है कि आज भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां 3 सीटें थी। दूसरा विषय यह है कि देखिए कोरोना का जो बार बार राग अलापते हैं, देखिए ऐसा है, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 अगर पढ़ लेना चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि देश में आपातकाल लगा हो तो मात्र 6 महीने के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 326 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। आज तमाम आर्टिकल याद आ जाएंगे। संजीव कौशिक, आप जवाब दे दीजिए, क्या वो दो फैक्टर आपको लगते हैं कि रुझान ऐसा है 200 पार कहने वाली बीजेपी अब 83 पर भी संतुष्ट हो रही है? संजीव कौशिक आऊंगी, रितिका के पास मूव करना पड़ेगा मुझे, रितिका के पास कोई बड़ी खबर है। रितिका ठीक है, संजीव जी आपके पास लौटेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज जी भी मौजूद है और सोनाली भी मौजूद है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, चुनाव आयोग के रुझान भी सामने आ चुके हैं और चुनाव आयोग के रुझानों में भी टीएमसी हैट्रिक लगाती हुई दिख रही है। भारी बहुमत टीएमसी को मिला है चुनाव आयोग के रुझानों में, 202 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे है। एक तरफ आप देखिए टैली लगातार जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है, जहां पर 207 सीटें इस वक्त टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग के रुझानों के हिसाब से 202 सीटों पर टीएमसी इस वक्त काबिज है और बीजेपी को भारी नुकसान इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले देखिए 100 का आंकड़ा क्रॉस किया जा चुका था बीजेपी की तरफ से, लेकिन लगातार वो सीटें अब घटती हुई नजर आ रही है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मनोज यादव जी, संजीव कौशिक जी और सोनाली जी मौजूद है हमारे साथ। सबसे पहले संजीव कौशिक जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिल चुका है, और अभी फिलहाल कुछ देर पहले बीजेपी प्रवक्ता ने जिस बात का जिक्र किया है कि देखिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उत्तेजित उनमें लाने के लिए, उत्तेजना लाने के लिए हमने 200 पार का नारा दे दिया है, तो ऐसे में अभी आप मानकर चल रहे हैं कि अगर 82-80 सीटें आती है तो संतुष्ट हैं आप? इतना प्यार बहुत है बंगाल की जनता की तरफ से हमारे लिए। नहीं देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। बीजेपी ने जितने आक्रामक तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ा, निश्चित तौर पे उसी का नतीजा है कि वो जो सीटें आपको 80-85 जो दिखाई दे रहा है उसी का नतीजा है वो। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की जानकारी थी कि वो बंगाल में सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास किया, जिस तरह से वहाँ एक पोलराइजेशन का कार्ड खेलने का प्रयास किया, वो सारे ध्वस्त होते हुए वहाँ पे नजर आए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि बंगाल की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वहाँ के नागरिक बहुत प्रबुद्ध है, वो जानते हैं कि हमारे सरकारी मुद्दे की बात किसने की, कि कौन सी किस तरह की बातें कर रहा है, और इसी का नतीजा है कि आपको ये रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आखिरी में मैं यही कहूंगा कि यदि बीजेपी देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये चुनाव लड़ रही थी तो यदि हारती है तो ये शिकरा किसके सर पे पड़ी? मनोज जी, क्या वाकई बंगाल की जनता आपको एक विकल्प के तौर पर तो देख रही थी, लेकिन नहीं चाहती थी कि भविष्य की बागडोर जो है आपके हाथों में सौंपी जाए? देखिए ऐसा है कि जनता तय करती है और जनता ने जितना बड़ा अभी जनादेश दिया है ना, उसकी राह पर है, और मैं ये हम मान के चलते हैं कि जो भी नीतियां लेकर के हम लोग गए थे वो प्रधानमंत्री जी के वहाँ जो चेहरा था मुख्यमंत्री के रूप में, वहाँ की जनता को हमने चेहरा बनाया था। और मैं ये सवाल पूछता हूँ संजीव कौशिक जी से कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार, बताइए जो कांग्रेस पार्टी वहाँ
अच्छी स्थिति में थे वो सब सूखा साफ हो गया है, पुडुचेरी से वो साफ हो गई है, केरल से वो साफ हो गई है, आसाम से साफ हो गई है। संजीव को भी ध्यान दिया जा रहा है, आप तो लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पर काम कर रही है और अपने काम पर ही हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन अब जब जनता नकारती हुई नजर आ रही है तो आपके उनके प्रदर्शन पर नजर है। जी ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास और तमाम फैक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर है जो बीजेपी के लिए भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। देखिए ममता बनर्जी जिस बात का जिक्र करती हुई नजर आई थी कि बंगाल की जनता हमारे साथ खड़ी है और वो अब रुझानों में नजर भी आ रहा है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, मेरे दो सहयोगी भी लगातार बने हुए, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।